अक्षरा और नैतिक नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे भी होते हैं जिनमें से एक का नाम नक्ष होता है और दूसरे का नाम रणवीर होता है। अक्षरा नैतिक एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका प्यार भी बेहद बढ़ता चला जाता है। एक दिन नैतिक जब ऑफिस जा रहा होता है तभी अचानक रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो जूते पॉलिश कर रहा होता है। तभी नैतिक उससे कहता है, बेटा इतनी छोटी सी उम्र में तुम काम क्यों कर रहे हो? फिर वह बच्चा बोलता है, अंकल मेरा कोई नहीं है और खाना खाने के लिए मुझे ही करना पड़ता है। ये सुन नैतिक को बहुत दुखी होता है और वह उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है और नैतिक उस बच्चे का नाम कार्तिक रखता है और उसे स्कूल में दाखिला करवा देता है। पर कार्तिक पढ़ाई में बहुत तेज होता है इसलिए अक्षरा नैतिक उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। समय बीतता है, वहीं रणवीर और नक्ष बड़े हो जाते हैं और अक्षरा उन दोनों की शादी करवा देती है। शुरू में तो सब ठीक ठाक चलता है पर अचानक नैतिक कर्ज में डूब जाता है और उनका घर भी बिक जाता है। तब नैतिक अपने बेटों को ये बात बताता है। तब नक्ष कहता है, एक काम करते हैं, 6 महीने मम्मी आप मेरे पास रह लेना और पापा आप रणवीर के पास रह लेना, ऐसे ही गुजारा कर लेना। यह सुनकर नैतिक को बहुत बुरा लगता है। तब अक्षरा नैतिक को समझाती और दोनों बाद में अलग अलग अपने अपने बेटों के पास रहने के लिए चली जाते हैं। तब नक्ष की पत्नी कीर्ति अक्षरा से कहती है, मम्मी जी आज से हम दोनों ही घर का सारा काम कर लेंगे, इसलिए मैंने काम वाले बाई को निकाल दिया है। यह सुनकर अक्षरा को बहुत बुरा लगता है। और वहीं रणवीर की पत्नी गायू भी नैतिक का ध्यान अच्छे से नहीं रखती थी, वह उन्हें टाइम पर खाना भी नहीं देती थी, इसलिए नैतिक और अक्षरा दोनों ही अपने बहुओं से बहुत परेशान हो गए थे। तब वे डिसाइड करते हैं कि वह अब अलग अपना घर बनाएंगे और वहीं रहेंगे। और फिर दोनों अपने बेटों का घर छोड़कर एक स्टेशन पर मिलते हैं। तभी कार्तिक नैतिक को फोन करता है और बोलता है, पापा जी कैसे हो आप? और मैंने उसी लड़की से शादी की है जिसे आपने पसंद किया था और जल्दी हम दोनों इंडिया आ रहे हैं। तब नैतिक कहता है, ठीक है बेटा यहाँ सब ठीक है और तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। समय बीतता और एक दिन नैतिक और अक्षरा रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी का शोरूम दिखता है। वहाँ पर अक्षरा को एक कार बहुत पसंद आती है। तब नैतिक और अक्षरा उस कार का रेट पूछने के लिए जाते हैं। तब वहाँ का मैनेजर उनसे कहता है, क्या तुमने अपनी औकात देखी है जो मुंह उठा के यहाँ चले आए हो, निकलो यहाँ से। तभी वहाँ कार्तिक आता है और मैनेजर को बहुत मारता पीटता और बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे मम्मी पापा का इंसल्ट किया। तभी अक्षरा उसे रोक कार्तिक कहता है, पापा ये हमारा ही शोरूम है और आपको इसमें से जो पसंद हो आप ले लो। फिर कार्तिक अक्षरा नैतिक को अपने साथ घर ले आता है। मम्मी पापा आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे और नायरा आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। तभी नायरा कहती है, जी माँ जी कार्तिक एकदम ठीक कह रहे हैं। समय बीतता है, कुछ दिन बाद नैतिक एक राइटर बन जाता है। उसकी बुक मार्केट में सुपर हिट हो जाती है जिसकी वजह से नैतिक एक बड़ा राइटर बन जाता है। यह देखकर नक्ष और रणवीर अक्षरा के पास आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब अक्षरा कहती है, तुम दोनों ने हमें अलग किया और अपने पापा को बहुत दुख दिया है, तुमसे अच्छा तो कार्तिक है, आज से वही हमारा बेटा है। और वहाँ से चली जाती है और अक्षरा नैतिक कार्तिक के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।